क्योंकि उसको अंदाजा भी नहीं जा सकता मैं गाड़ी कौन से लेके आऊँ। सडनली मैं गाड़ी ले आया भाई, ऐसे ही है कुछ अपना यार, क्या कर रहे हैं बताओ, रिवील कर दूँ फिर तो? चलो आपको रिवील कर देते हैं, आओ और गाड़ी दिखाते हैं। गाइस गाइस, बच्चे मेहनत करते हुए आई फ्लू के साथ भी सुबह सुबह 5 बजे चश्मे लगा लगा के वर्कआउट कर रहे हैं, डेडिकेशन देखो। और गाइस मेरी मेहनत आपको मेरे फेस पे दिख रही होगी। यस, हमने वर्कआउट डन कर चुके हैं अपना सुबह का, कल हमने बहुत सारा खाया, उसके बाद हमने आज अच्छा खासा वर्कआउट किया। कल हमारा बाहर जाना हुआ था कहीं पे, तो डेट्स वाई अब भाई वर्कआउट हो गया अपना डन। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको जरा थोड़ा सा मैं टी शर्ट वगैरह चेंज ऑन कर लूँ फिर दिखाता हूँ आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, होप आप सब हेल्दी होंगे, गुड होंगे, फिट होंगे, हैप्पी होंगे। तो भाई अपना मैं आपको बताता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, मैंने गाड़ी ले ली है। आपको सच कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा था ना पिछले व्लॉग में कुछ न्यू आने वाला है, तो भाई मैंने कार ले आया हूँ। वो सडनली सरप्राइज था एक कि मैं गाड़ी ले रही है, या मुझे हंसी क्यों आ रही है पर चलो मैं आपको जरा विश्वास ना हो तो आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको यार, जस्ट सी भाई ये देख लो, आपको विश्वास नहीं आ रहा ना, ये कीज, ये दो कीज। अब गाड़ी को छोटी मोटी गाड़ी ना भाई साहब, आप देख ही होंगे, आप ये देख लो कीज, लॉक अनलॉक कीज, ये कीज कोई छोटी मोटी गाड़ी की नहीं है भाई। अब मैं कैसे रिवील कर दूं क्या, मैं कर दूं क्या रिवील? ये चाबियां गाड़ी की होंगी, पर गाड़ी कौन सी है आप चाबी से अंदाजा लगा नहीं सकते। मैं 110% क्या 200% श्योर हूं, कोई भी अंदाजा लग, किसको लग रहा है तो अभी कमेंट कर दे, अभी कर दे कमेंट की ये वाली गाड़ी है। अब किसी को नहीं लग रहा, वैसे लग ही सकता यार, तो कर दूंगा रिवील। हाँ जी, तो अंदाजा लगा किसी को कि कौन सी गाड़ी होगी यार, क्योंकि कीज ही बहुत डिफरेंट है, या कोई सिंपल कीज तो है नहीं, तो बताऊं क्या या फिर रुक जाऊं? कमेंट कमेंट कर दो किसी को पता हो तो, ठीक है ना? वैसे तो मुश्किल ही कमेंट आएंगे क्योंकि इसको अंदाजा भी नहीं जा सकता मैं गाड़ी कौन सी लेके आऊँ। सडनली मैं गाड़ी ले आया भाई, ऐसे ही है कुछ अपना यार, क्या कर रहे हैं बताओ, रिवील कर दूं फिर तो? चलो आपको रिवील कर देते हैं, आओ और गाड़ी दिखाते हैं। पर रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ, मैं वापस बैठ जाता हूँ जरा, अभी अतुल को बुलाता हूँ, अतुल से पूछता हूँ, अगर अतुल बता दे तो, क्योंकि कल अतुल यहाँ पे नहीं था, अगर अतुल बता सके। आ गया, मैंने बुला लिया उसे, एक मिनट रुको। आवाज़ कम कर दे थोड़ी सी वो। अच्छा पहले तो ये बता कि मैं कार कौन सी लेके आया हूँ, कौन सी लेके आया हूँ अभी कार में? तो चाबी रखी है दो कारों की, कौन सी लेके आया मैंने अभी कार उसकी है ना? हाँ तो बता ना कौन सी कार लेके आया यार, मैं हंस रहा है भी, ये भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ, क्या हो रहा है ये? तुम मजाक थोड़ा चल रहा है कोई, कौन सी कार चाबी है? तो भाई चलो आपको बता ही देते हैं भाई कि आकाश ये किसी कार की चाबी होती, आकाश ये किसी कार चाबी, पर भाई अभी कोई ये कार की चाबी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कीज किस चीज की है और आपको बता देता हूँ अभी, वो तो जस्ट आपसे एक चील हो रहा था यार, एक मजाक हो रहा था, मैं आपको भी दिखाता हूँ आओ मैंने क्या एक चीज कराई है। पर मैंने चीज बड़ी एक ना तकनीकी कराई है भाई, बहुत तकड़ी, ये मतलब रिमोट कंट्रोल सिस्टम करा दिया मैंने अपने जिम के अंदर। अब आपको वो दिखाता हूँ, वो ये सच बता रहा हूँ आपको, ये कोई मजाक नहीं, जिम के अंदर रिमोट कंट्रोल सिस्टम करा दिया, और वो रिमोट कंट्रोल सिस्टम कैसा है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम ना कहीं नहीं देखा मैंने अभी, मैं ये बात भी कह रहा हूँ, देखा ही नहीं भाई, और किसी जिम में तो मैंने कभी नहीं देखा ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इतनी हाई तकनीकी को यूज नहीं करता ना भाई, पैसे लगते हैं ब्रो, तो इसलिए भाई बात पैसों की भी नहीं है वो, तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ आपको, लगते ही हैं। कोई अच्छी चीज़ आप करो तो ऑटोमेटिकली आपको सबको पता है, किसी भी चीज़ में करो तो पैसे उतने ही ज़्यादा लगेंगे। तो भाई कुछ अब रिमोट कंट्रोल सिस्टम कराया मैं जिम के अंदर एक, अब आपको दिखा देता हूँ। और मेरे हिसाब से ये वन एंड ओनली मेरे जिम में होगा इस टाइम तक। चलो पहले आपको दिखा देता हूँ फिर बताऊँगा आपको। तो गाइस आपको पता है कि मैंने बायोमेट्रिक लगवाया था जिम के अंदर, अब आप लोग समझ गए हो ज़्यादातर कहानी। तो भाई ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम है बायोमेट्रिक्स के, ये दोनों रिमोट। अब आप कह रहे हो ये कैसे है, हमें थंब प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो किसी की फीस खत्म होगी, उसको मुझसे पता नहीं होता, तो उसका एक दो दिन आके हमें खोलना पड़ता है डोर, ओके।
तो भाई अब सिस्टम का सिस्टम हो गया, मुझे थंब लगवाने की जरूरत नहीं है। अभी देखो वहां रेड लाइट जल रही है, लॉक लगाऊंगा एंड आई प्रेस द बटन नाउ एंड आप उधर लॉक और ये बटन देखना अभी दिख रहा है आपको भी, ये सिस्टम भाई साहब अनलॉक हो गया भाई, ये फिर लॉक हो जाएगा। ये देखो फिर आ गया अपना ऑटोमेटिक लॉक हो गया। ऐसे ही एक तो ये रिमोट है जिसपे ए और ए फोकस लग गया, ए और बी लगा हुआ है भाई, बी दबाएंगे तो वो देखना ऊपर, अभी मैं बी दबाऊंगा, अभी ये देखना ये और उधर देखना, ये दबाया हमने बी एंड दिस इज अनलॉक। तो भाई दो रिमोट लिए हैं मैंने इसके और इस टेक्नोलॉजी कराई है हमने। अब जैसे मैं ये वो फिर लोगों का देखो लाल बत्ती आ रही है ना, अब ये मैं अनलॉक दबाऊं, ये अनलॉक प्रेस और वहां से लाल बत्ती भी गई, अब फिर लॉक हो जाएगा थोड़ी देर बाद 10 सेकंड बाद ये लॉक हो गया डोर दोबारा। और इसकी रेंज भाई, इसकी रेंज मेरे ऑफिस में तो आती है और इसकी रेंज वो दो जो खड़े हैं ना हमारे अतुल और हमारा अमन, तो भाई एक रिमोट इनके हाथ में होगा, अभी अतुल को बार बार चल के इतने लंबा यहाँ आके खोलना नहीं पड़ेगा डोर किसी के लिए, वो वहीं से रिमोट दबा दे करेगा क्योंकि इसकी रेंज ए वहां मेरे उस जिम के कोने तक जा रही है, ए वहां तक फुल रेंज आ रही है इसकी, तो उन्हें वहीं खड़े खड़े दबा रहे हैं, उनके तो मजे आ रहे हैं कि चलो भाई एक लेस तो मुका। तो भाई ये टेक्नोलॉजी कराई है मैंने, रिमोट कंट्रोल सिस्टम करा दिया है, थंब तो लगेगा लगेगा, थंब तो देखो लग ही रहा है। ओ ओ ये क्या हो गया, प्लीज फिंगर गेम, ये देखो थंब तो लग ही रहा है आदित्य राणा, थंब तो लग ही रहा है, पर अब ये सिस्टम भी खराब है। देखो लोग एक बार और ले लेते हैं स्वाद से ना जरा, ये दूसरा रिमोट है, ये क्या है हमने अनलॉक अनलॉक, और भाई इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी वहां तक जा रही है। तो गाइस ये था वो, ये है भाई इस चीज के लिए रिमोट है भाई, ये कोई गाड़ी गुड़ी अभी नहीं ली, वो तो जस्ट आपके साथ मजाक था भाई, ठीक है। तो उस चीज के दो रिमोट है, ये थोड़ी अलग टेक्नोलॉजी है क्योंकि होने को कुछ भी कराते हैं जो हर एक जिम वाला कराता है कि भाई बटन लगवा लेता है एक और अपने ऑफिस के अंदर कुछ भी ताकि उठ के ना जाना पड़े। हमने कराया थोड़ा रिमोट कंट्रोल सिस्टम भाई, रिमोट दबाया डोर ओपन, ठीक है ना, क्योंकि कईयों को जब फीस पूरी होती है उन्हें एकदम सडनली नहीं पता लगता, तो एक दिन उनके लिए डोर खोलना पड़ता है वो, इसलिए बात है। तो इसलिए हमने ये सिस्टम करा दिया वैसे था रिमोट सिस्टम, और मैं अपने ऑफिस में बैठ के और अगर मेरा स्टाफ पीछे कहीं बिजी होगा तो देख के शीशे में से यहाँ से देख के वह उधर से देख के ओपन कर सकता है आराम से, कोई भी आए तो उसे यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता। वरना ना यार मान लो मैं यहाँ पे नहीं हूँ क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ कभी इधर कभी उधर और अंदर स्टाफ भी बिजी है, तो यार डोर पे कोई बंदा ना 5-5 मिनट 10-10 मिनट खड़ा रहता है, कोई मिलने भी आ रहा हो वैसे भी तो दिक्कत आती है, तो वो देख के ना एकदम खोल दे करेंगे क्योंकि वहाँ किसी को वर्कआउट करा रहे हैं हेल्प करा रहे हैं और यहाँ पे सडनली कोई खड़ा हो तो दिक्कत आती है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट खड़े रहते हैं जब मैं ना हूँ यहाँ पे। चलो मैं हूँ उस टाइम तो मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैं ना हूँ तो उधर बिजी रहते हैं ना, अंदर भीड़ होती है बच्चों की, तो बच्चों को भी देखना है, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। अब मैंने रिमोट कंट्रोल सिस्टम करा दिया भाई अपना, ऐसा ही है यार बायोमेट्रिक में भी रिमोट लगवाते रहे मैं, तो बायोमेट्रिक भी ऑटोमेटिक करते रहे मैं, क्या करें अपना ऐसा ही है और क्या। तो भाई ये था अपना थोड़ा सा जो हमने कराया। तो गाइस अतुल आ रहा है और मैंने अतुल का थंबप्रिंट हटा दिया था जब वो अभी खाना खाने गया था, अभी खाना खाने गया था घर ही, और अभी देखना से डोर नहीं खुलेगा और फिर मैं ओपन करूंगा डोर, देखो खुलने का ऐसे हमें सब देख रहा है, ऐसे सब में सब देख रहे थे, अभी देखो बी दबाया मैंने सिस्टम ऐसा अपना खुल गया और क्या। जब से ऐसे लगा है ना मैं ऐसे स्वाद ले रहा हूँ बस, मुझे मजा आ रहा है भाई साहब बैठे बैठे दोबारा कहीं ना। अभी सुबह सुबह एक बंदा आया, वो अभी अपना दोस्त है, तो वो भी फर्स्ट डे था उसका जाने का, तो उसने बाहर जाना था, उसका फोन फान पड़ा था, कहता भैया डोर खोल देना मैं बाहर जा रहा हूँ एक मिनट के लिए, मगर ठीक है भाई, मां तू जा कोई बात नहीं करा बात हो जो, मां तू जा तो एक बार। वो बाहर गया, उसने फोन उठा के लेके आया अपना, वो फिर वहां खड़ा हो गया, मैंने रिमोट ना पीछे छुपा लिया, तो मैंने ऐसे देखा लोग की तरफ खुल गया एकदम, मैंने क्लिक कर दिया था, कह रहा भैया ये क्या, कह रहा मतलब कुछ नहीं होगा अंकों से, जैसे फोन का लोग खुलता है, मैं ऐसे ही है भाई सिस्टम, अब तो मैं अंकों से खुल जाता है हमारा ये लोग, कह रहा कमाल की टेक्नोलॉजी है आपकी, उसे पता नहीं था कि मैंने रिमोट मैंने पीछे छुपा रखा था। तो भैया ऐसे ही है बस, अब छोटी छोटी तकनीकें इस्तेमाल करते रहा करो, ठीक है अपना हमारे लिए ठीक हो रहा है। तो भाई मैंने आपको दिखा दिया कि जिम में और हमारे न्यू क्या हुआ है, ठीक है अब मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ लोग की एंडिंग, ठीक है जी, होकर तो आप सब लोग जिम जाम जा रहे होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे, और बड़े टाइम बाद मैं कह रहा हूँ जो लोग लोकल है भाई, जो लोग लोकल है मेरे एरिए के, वो यहाँ आओ जिम करो, एक बार जिम का फील लो, देखो जिम करके देखो एक बार,
कई लोग तो कभी आए नहीं, और आओ तो जरा यार जिम करो, तो फिर तो आपकी मर्जी है जहां आपने जिम करने वहां करो, पर एक बार आओ तो। और जो हमारे वहां के बंदे मेरे व्लॉग देखते हैं दुसड़का किस साइड वाले, जो दुसड़का के उस तरफ के साइड वाले हैं लोकल, वो भाई वहां वाले जिम में एक बार जाओ, वर्कआउट करो यार, कोई कमी शमी हमें बताओ, हम उस पर ध्यान देंगे, वह तो हमने अपनी तरफ से सब बेटर किया हुआ है। ओके तो भाई बस अब मैं करूँ व्लॉग की एंडिंग, हो कर आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, जिम जम जा रहे होंगे, और भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, सब्सक्राइब कर लो यार, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। लाइक कर देख रहे हो वीडियो को, लाइक करने में क्या जाता है, गलत बात है, लाइक दबाना बटन दबाना, दबा देख रहे हो, ठीक है। कोई किसी के कोई और क्वेश्चन कैशन हो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो कर लेना, दोबारा बोल रहा हूँ आपको, ठीक है जी। तो टाटा बाय, सी यू, जल्दी मिलते हैं।